ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिलासपुर इकाई ने शिक्षक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और उनके समाधान के लिए उपमंडल दंडाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इससे पहले बिलासपुर इकाई के धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखा है और अगर विद्यार्थी परिषद की मांगे नहीं मानी जाती तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिलासपुर इकाई ने शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और उनके समाधान के लिए उपमंडल दंडाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इससे पहले बिलासपुर इकाई के धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखा है और अगर विद्यार्थी परिषद की मांगे नहीं मानी जाती है तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद अभी सांकेतिक रूप से ही प्रदेश भर में इकाई स्तर पर धरने कर रही है, लेकिन अगर विद्यार्थी परिषद की मांगों पर गौर नहीं होता है तो परिषद बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने बताया कि छात्रों के अधिकार, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में खामियों को दुरुस्त किया जाए, क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के स्थायी परिसर का निर्माण और कक्षाएं इसी सत्र से शुरू की जाएं, प्रदेश के महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएं, प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज में अत्यधिक फीस वृद्धि एवं व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए, SMC व आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां युवाओं के साथ धोखा है, इन पर रोक लगाकर नियमित भर्तियां की जाएं, प्रदेश के सांस्कृतिक महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति में सुधार लाया जाए और प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग और निजी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार एवं व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाए, प्रदेश के महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं को प्रदेश सरकार बहाल नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। तिलक ठाकुर, जिला संगठन मंत्री, विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद सन 1949 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और अपने विभिन्न मांगों को लेकर के अपना मत व्यक्त करने वाला छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद अपने विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने प्रधानाचार्य के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। उसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद ने पूरे हिमाचल प्रदेश में इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। आज विद्यार्थी परिषद ने उपमंडल दंडाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा और विद्यार्थी परिषद ने अपनी विभिन्न मांगें सरकार के समक्ष रखी है। विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि छात्रों का जो मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्र संघ चुनाव से बाहर किया जाना चाहिए और शिक्षकों की जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाना चाहिए, क्लस्टर विवि मंडी का जो भवन का तुरंत निर्माण होना चाहिए और वहाँ कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए, उसी तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन का तुरंत निर्माण होना चाहिए और जो भी जो मूलभूत सुविधाएं जो कॉलेजेस में प्रोवाइड की जानी चाहिए उन्हें तुरंत मुहैया करवाया जाना चाहिए और जो परीक्षा परिणामों को लेकर अनियमितता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चल रही है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। इस तरह की मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद जो है समय समय पर अपना मत व्यक्त करता है और विद्यार्थी परिषद ये उम्मीद करती है कि सरकार इन पर गौर करेगी और अगर इन मांगों को फुलफिल नहीं किया जाता तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में आम छात्रों को लामबंद करके पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी।